नमः गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूपा सिद्धान्ति प्रभवे श्री महात्मने नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीभार्गवानवी देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बवे पादाम्बुजायते नमः नमः भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभरायते आविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जयतां सुरतरुपङ्गोर्म मन्दमतिगति मत्सर्वस्वपादम्भुजौ श्रीराधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यगल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नाकारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठलिभिः सर्वमान् स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे बंसीवाटतटस्थित कर्षण वेणुसनिरुभि वपिनाथ श्रियस्तु न वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवे सत्यवतये नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेव श्री गुरु चरना पद्मा केवल भागाती सद्मा श्री गुरु चरना पद्मा केवल भागाती सद्मा केवल भक्ति सदा
Yeah.
हमारा ओम ज्ञानतिमिरामदास ज्ञानांजन सलाका क्या कर रहे हो माला दे रहे हो चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्टे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधु जगतपते गोपीसर्वपिताकांत श्रीराधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसको घुमा दो हरे राम 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 हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज हम सबके सब श्री श्यामा प्रिया मदरना प्रेमवती हाँ कहते इन लोगों ने आज अपना घर में सब भक्त लोगों को बुलाए और घर में कीर्तन और घर में भगवान की कथा हो रही है। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले आयुर हरति वै पुंसा उद्यन अस्तंच जन असो तस्सरिते जम खिणव नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। कहते श्री सुत गोस्वामी कहते सौनकाद ऋषियों कहते ये जो सूरज है कहते ये सूरज नहीं ये काल है ये सूरज नहीं ये काल है कहते ये काल ये सभी का परमाय को ये नष्ट कर रहा है। अगर आपको पूछे आपका उम्र कितना बोले हम 30 साल के हो गए हैं कहते हम 20 साल के हो गए नहीं तो हम 40 साल के हो गए। शास्त्र कहता है नहीं अब 40 साल के नहीं 30 साल के नहीं आपका जो फिक्स परमायु थी उससे 30 साल खत्म हो गया है उसमें 40 साल तुम्हारी खत्म हो गया। तुम छोटे हो रहे हो हम कोई बड़े नहीं हो रहे हम कोई बड़े नहीं हो रहे हम सबके सब छोटे होते जा रहे हैं लेकिन हमारी भ्रम है लाला का तो 10 साल उम्र हो गया 10 साल उम्र नहीं उसका 10 साल परमायु उसकी खत्म हो गई। लेकिन कहते सभी का परमायु तो खत्म हो रहा है लेकिन एक व्यक्ति का परमायु नष्ट नहीं होता है। बोले किसका परमायु नष्ट नहीं होता है बोले तस्सरी ते जम खेणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जितने समय हम भगवान के कीर्तन करते
भगवान की भक्ति करते हैं, हरि नाम करते हैं, जितने समय हम बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कदे इसको ऊपर में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा जो परमानंद स्टफ है, हमारा परमानंद अभी नष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो काल का जो काल है वो भगवान है। काल का काल, सारा दुनिया काल को डरता है। बताओ मरने के लिए कौन नहीं डरता है? कोई मरना चाहते हो? कोई मरना चाहते हो? कोई भी मरना नहीं, मरने का अगर नाम सुन लेना घबरा जाते, हम मर जाएंगे हैं। लेकिन सारा दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल एक व्यक्ति को डरता है। बोले काल किसको डरता है? श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णु दास। काल को सब डरते हैं, लेकिन काल किसको डरता है? बोले भगवान की भक्तों को डरता है, भगवान की भक्तों को डरता है काल। बोले क्यों? बोले जो भक्त हैं हर समय भगवान की भजन करते हैं, भगवान के नाम करते हैं, ठाकुर का कीर्तन करते हैं, उनकी हरिनाम जप करते हैं, इसलिए ये काल है, ये काल भक्तों को डरता है। इसलिए आज समझो हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है, जो थोड़ी समय के लिए हम लोगों ने श्री श्यामा प्रिया दीदी घर में आए और यहाँ पर भगवत कथा और भगवान कीर्तन कर रहे। तुम क्या काम कर रहे हो? बढ़िया, चुपचाप। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसलिए आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है, जो थोड़ी समय के लिए हम भगवान की कथा कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले जय दिन गृह है भजन देखी, गृह ते गोलक भाय, प्रसाद सेवा करिते हाय, सकल प्रपंच जाय, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो कोला। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जेदिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलक भाय। मतलब क्या है? जिस दिन घर में साधु लोग आए, घर में भगवान की कथा हो, घर में हरि कीर्तन हो, कहते तुम्हारी ये घर घर में ही, वो घर तुम्हारी गोलक वृंदावन हो गया, घर तुम्हारी भगवान की धाम हो गया। इसलिए जिस समय श्री गर्गाचार्य जी श्री नंद बाबा का घर में आए, नंद बाबा कौन है? बोले कृष्ण का पिता है नंद बाबा। लेकिन जब गर्गाचार्य श्री नंद बाबा का घर में आए, श्री नंद बाबा कहते हैं, बोले महात विचलनाम ऋणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्सराय भगवत अन्यथा कल्पते कोची। नंद बाबा कहते हैं, आज तो मेरा घर पवित्र हो गया है, आज मेरे घर पवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले आज घर में साधु आए, घर में साधु लोग आए, घर में हरि कीर्तन हरि चर्चा होगी। नंद बाबा कहते हैं, जिस घर में साधु लोग आ जाए, घर में उनकी चरण धूलि पड़े, घर में कीर्तन और भगवान की कथा होना, बोले सर्वाणी तीर्थानि बसंति तत्रा। कहते पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है वो सबके सब उसी घर में आकर के सबके सब विद्यमान हो जाते। बोले किसकी घर में? बोले जिस घर में हरि कीर्तन और हरि चर्चा हो, है। इसलिए वो घर नहीं, वो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ गए। और समझे हम बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में वहीं पर बैठ बैठ करके हमने स्नान कर लिया, सारे गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारका, समझो पृथ्वी का जितने केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, पृथ्वी में इतने तीर्थ है ना, पृथ्वी में इतने तीर्थ है, करोड़ रुपया देने पर भी अब सारे तीर्थ घूम नहीं सकते। भारत में इतने तीर्थ, पता भी नहीं कितने कितने तीर्थ है, इतने तीर्थ है भारत में, करोड़ रुपया देने पर भी सारे तीर्थ में हम घूम नहीं सकते। लेकिन श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, श्री नंद बाबा कहते हैं, जब घर में साधु लोग आ जाए, घर में कीर्तन और हरि कथा हो जाए, समझो तुम बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में तुम बैठ बैठ करके वहीं तुम्हारी स्नान हो गया, सारे तीर्थ में तुमने स्नान कर दिया।
हैं सारे तीर्थ तो वहीं पर सारे तीर्थ आ गए। बोले कहाँ पर सारे तीर्थ आ गए? बोले जहाँ पर भगवान की कथा और जहाँ पर भगवान की कीर्तन हो रही है सारे तीर्थ वहीं पर ही आ गए। बल्कि उससे भी ज्यादा महत्व है, सारे तीर्थ जाने से भी ज्यादा महत्व है जब भगवान की कथा रूपी गंगा की में सबने स्नान कर लिया। बोले क्यों? बोले कारण क्या है? बोले कारण है, बोले तीर्थ जाने से तीर्थ में तो स्नान कर लिया लेकिन केवल ऊपर का थोड़ी सी पाप दूर होता और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक उदाहरण दिया, एक हाथी को जैसे किसी तालाब में अच्छे तरह से स्नान करा लो अच्छे तरह से मल मल करके, लेकिन जो हाथी ऊपर उठता है ना सबसे पहले वो धूल ढूंढता है, फिर सारे धूल को ले फर करके सारा शरीर में लगाएगा फिर जाकर जाएगा। कहते उसी तरह हमारे भारत में कुछ लोग तीर्थ करते हैं जैसे सारे तीर्थ महीना भर तक घूम करके आएंगे, लेकिन जो मांस मछली खाते हैं ना बोले अरे एक महीना तक हमने मछली नहीं खाई मांस नहीं खाए, आज बढ़िया करके मुर्गा लाओ बकरी ला बढ़िया करके आज खाना खाएंगे बढ़िया करके खाना खाएंगे, एक महीना तक हमने हैं सब घूम कर खाए। क्या हो गया? जैसे हाथी को स्नान कराने का बाद जैसे फिर सारे धूल को लेकर लगा दिया बेकार है। कहते उसी तरह यहाँ तीर्थ घूमने से केवल थोड़ी ऊपर का पाप दूर होता है लेकिन घर में आकर के फिर सारे पाप को फिर सारा शरीर में लगा दो। लेकिन साधु संघ में, कहते साधु संघ में क्या होता है? बोले साधु संघ में सारे तीर्थ में तो नहाना हो ही जाता है, अगर कथा रूपी मंदाकिनी में गंगा में कोई स्नान करेगा तो सारे तीर्थ में तो स्नान हो ही गया, उसको साथ साथ में हृदय भी परिवर्तन हो जाता है, हैं हृदय भी बदल जाती है। जैसे आप लोगों का देखो भारत में बहुत लोग हैं जो तीर्थ घूमते हैं लेकिन उससे भी आप ज्यादा सौभाग्यवान। बोले क्यों? आपके गला में देखो तुलसी कंठी है, आपने तिलक लगाया है, आप भगवान के नाम जप करते हो। बोले क्यों? कारण किया? कारण यही है वो भारत में रहते हुए भी उन्होंने कृष्ण कथा रूपी गंगा में वो नहीं नहाए, लेकिन आप विदेश में रहते हुए भी हमारे विजय प्रभु ने आपको कृष्ण कथा रूपी गंगा में नहा नहा करके ना आपको मल मल करके आपको सारी जितने गंदगी थी इन्होंने आपको पूरा धोल दिया है, आपको पूरा उसने साफ कर दिया है, हैं आपकी कृपा। इसलिए इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हाँ हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मन तू तीर्थ सदा रहता। ये जो मन क्या कहता है? हम सारे तीर्थ में घूमेंगे, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची। बोले क्यों? बोले इसलिए सारे तीर्थ में घूमने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं से सकल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे। कि तुम्हारी ये भ्रम हो गया है शायद सारे तीर्थ घूमने पर मुक्ति हो जाएगी, हैं? क्योंकि जितने तीर्थ में ज्यादा घूमोगे ना उतना ही मन चंचलता होगा, आज ये तीर्थ में गए कल वहां जाएंगे कल वहां जाएंगे कल वहां घूमेंगे, तुम्हारे मन में चंचलता आएगी, हैं? फिर यहाँ प्रश्न करता है कि भैया सब शास्त्र कहता है तीर्थ जाओ, सब शास्त्र कहता है तीर्थ करो, फिर शास्त्र क्यों कहता है तीर्थ करने के लिए? बोले इसीलिए बोले तीर्थ फल साधु संग साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर। तीर्थ तभी जाना सार्थकता है जब हम वैष्णवों को साथ में तीर्थ जाए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरबामी प्रणय भकत सांगे शोध भकत चरण रेणु भजन आनु बोला। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हाँ तीर्थ जाओ लेकिन अकेले मत जाओ। बोले कैसे जाओ? बोले गौर अमार जिसब स्थानी करल भ्रमण रंगे जहां पर कृष्ण राम भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु जहां पर उन्होंने लीला की है वहां पर किसी रसिक की भक्तों को साथ में जाओ, किसी रसिक भक्तों को साथ में जाओ, वहां पर बैठो वहां की कथा सुनो वहां की धूल लगाओ,
हैं। जब भक्तों के साथ में जाओगे हरि कथा को साथ में लीला दर्शन करोगे ना, वो लीला दर्शन करने का अलग लाभ है, हैं? उसका अलग, उसकी फल पूरा फल मिलेगा। इसलिए बोले तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनो में। साधु संग में अगर भगवत कथा हरि चर्चा हुई तभी वो तीर्थ तीर्थ है। बोले भूमि कथा वृंदावन, बोले कहां पर वृंदावन है, इनके घर में वृंदावन। भक्तमान ठाकुर कहते हैं श्यामा प्रिया का घर ही वृंदावन हो गया है। बोले भूमि तथा वृंदावन, बोले गिरी तथा गोवर्धन, बोले गिरिराज गोवर्धन कहां पर, बोले उसी स्थान, बोले कहां पर है, बोले जथाए वैष्णवगण है, जहां पर वैष्णव लोग हरि कथा कर रहे हैं, जहां पर भगवान की कीर्तन हो रही है। बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंति तथा, ये सुतो गोस्वामी कहते हैं पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो सारे वहीं पर आकर के बैठ जाते। बोले कहां पर, बोले जथा चुतादर कथा प्रसंग, जहां पर भगवान अच्युत की जहां कथा हो रही है सारे तीर्थ वहीं पर आकर के वहीं पर निवास कर जाते हैं। इसलिए श्री चतुसन जब भगवत कथा सुनाने जा रहे थे हैं, जब कथा सुनाने जा रहे थे उसी समय में जितने सारे ऋषि मुनि तीर्थ जितने सारे सबके सब वहीं पर आकर बैठे गए, सबके सब वहीं पर आकर बैठे गए। और उसी समय में स्वर्ग से जितने देवता लोग थे सबके सब स्वर्ग से पारियात पुष्पों को गौचार कर रहे थे और भगवत कथा की जयगान कर रहे थे। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, लाउडली जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। इसका तात्पर्य है जहां पर भगवत कथा हो रही है, जहां पर हरि चर्चा हो रही है, कहते स्वर्ग के देवता लोग भी प्रसन्न होकर के वहां पर पुष्प की बौछार करते हैं और भगवत कथा की जयकार लगाते, देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते, अहो भाग्य है। इसलिए भागवत ने बताया नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, कहते वहां पर कहते हैं जहां पर भगवान की कथा नहीं, जहां पर भगवान की जन्मोत्सव नहीं, जहां पर राधाष्टमी नहीं बनाया जाता, जहां पर जन्माष्टमी नहीं, जहां पर श्री हैं राम नवमी नहीं, जहां पर श्री होली का हाँ आज विरज में होली रे रसिया, जहां पर भगवान की होली नहीं, जहां पर भगवान की कथा नहीं, कहते सुरेश लोको भी नब्बे से बता, कहते वो व्यक्ति वो स्थान स्वर्ग लोग क्यों नहीं हो, वो स्थान वैकुंठ क्यों नहीं हो, कहते हम वहां नहीं जाना चाहते, मैं तो वहीं पर रहना चाहता हूं हे प्रभु, जहां तुम्हारी कीर्तन हो रही है, जहां तुम्हारी कथा हो रही है, जहां तुम्हारी उत्सव हो रही है, मैं तो वहीं पर जन्म लेना चाहता हूं। इसलिए कहते कीट जन्म प्रभु जथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आस, कहते अगर हमें ब्रह्मलोक भी मिल जाए लेकिन अगर वहां पर तुम्हारी भक्ति कीर्तन नहीं, हम ब्रह्मलोक नहीं चाहते हैं। अगर कीड़े मकोड़े अगर बन करके रहे हैं, कीड़े मकोड़े अगर बन करके रहे लेकिन तुम्हारी कथा हो रही है, कीर्तन हो रही है, प्रभु मेरे को वहीं पर स्थान दे दो, हमें वहीं पर स्थान दे दो। अब बताओ अभी कहाँ बैठे हो, बता दो, कहाँ पर बैठे हो, वृंदावन में बैठे हो, कहाँ पर बैठे हो, वृंदावन में बैठे हो। क्यों, असली वृंदावन वही है जहाँ पर भगवान की कथा हो, असली वृंदावन वही है। लेकिन वृंदावन में रहते हुए भी अब वृंदावन में जाओ, कुछ लोग पान कर रहे, शराब पी रहे, जुआ खेल रहे, ताश खेल रहे, वो क्या वृंदावन में रह रहे हैं क्या, नहीं रहते, वृंदावन में नहीं रह रहे, वो वृंदावन में रहते हुए भी नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मेरे जो भक्तों का जो घर है ना यही वृंदावन है, जो गौड़िया मठ यही वृंदावन, मेरे जो भक्तों का घर यही वृंदावन है, प्रभुपाद कहते थे। बोले क्यों, बोले वृंदावन किसको कहते हैं, बोले जहाँ पर हरि चर्चा हरि कीर्तन हरि भजन हो वही वृंदावन, जिस घर में प्रभु की कथा कीर्तन भजन हो रही वही प्रभुपाद कहते वही वृंदावन है, वही असली वृंदावन है। इसलिए आज समझो हम लोग कहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ वृंदावन में बैठे और कहीं नहीं बैठे, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, जिस चीज को हम सोचते हैं हम वही रह रहे हैं,
हमारा दिमाग जो चीज को स्मरण करता है हम वही रह रहे। हमारा दिमाग किसको स्मरण कर रहे? ठाकुर जी को स्मरण कर रहे, भगवत कथा स्मरण कर रहे। इसलिए हम असली वृंदावन में ही बैठे हैं। इसलिए श्री नंद बाबा कहते हैं, महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम मिश्र साया भगवत बन्न था कल्पते कोचित। यहाँ कहते हैं साधु लोग हमारे घर में क्यों आते हैं? साधु लोग गर्गाचार्य आए ना नंद बाबा का घर में, श्री गर्गाचार्य आए, इसलिए नंद बाबा कह रहे हैं भैया साधु लोग घर में क्यों आते हैं? क्या कुछ लेने के लिए आते हैं? बोले लेने के लिए नहीं, हमें कुछ देने के लिए आते हैं। हाँ हो सकता है हम कुछ ईरो फिरो दे देंगे, साधुओं को डोनेशन दे देंगे, लेकिन ये साधारण वस्तु है। लेकिन जो साधु लोग जो आते हैं ना देने के लिए, हम एक बहुत बड़ी एक चीज देना चाहते हैं। लोग क्या है, इसलिए भक्ति बनो ठाकुर कहते हैं, बोले वो हे वैष्णव ठाकुर दया रसागर हे दासे करुणा कर। कृष्ण से तुमार कृष्ण दिते बार तुमार सकती आजे। कहते कृष्ण किसके हैं?
बोले कृष्ण आपके हैं, कृष्ण कृष्ण आपके हैं, भक्तों का ही भगवान है, इसलिए कृष्ण दिते पारो। ये भगवान किसके हैं? वैष्णव का भगवान है। भक्त लोग ही हम भगवान दे सकते हैं, भक्त ही हमें भगवान दे सकते हैं। इसलिए एक श्री गर्गाचार्य श्री नंद बाबा कहते हैं, इसीलिए साधु लोग हमारे घर में आते हैं, वो भगवान को देने के लिए आते हैं, ठाकुर जी को देने के लिए भक्त लोग आते हैं। पर ठाकुर जी को देने से क्या होगा? ठाकुर जी मिलेंगे तो क्या होगा? इसलिए कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं बल अब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्ति न अर्जुन माम उपतुतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर पुण्य कर्म करके तू ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, लेकिन जब तुम्हारी पुण्य समाप्त होते ही खिन्न पुण्यम मर्त्यलोकम विसरति, जब तुम्हारी पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर यहीं पर आना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु का चक्र में फिर भटकते रहोगे। लेकिन केवल माम उपतुतु कौन्तेय, जब तक जीव मुझे प्राप्त नहीं करता है तब तक उसको जन्म मृत्यु का जो माला उसकी खत्म नहीं होता है। इसलिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जब तक जीव भगवत प्राप्त नहीं कर ले तब तक जीव को परम शांति नहीं मिलती है। इसलिए श्री नंद बाबा कहते साधु क्यों आते हैं हमारे घर में, किसलिए आते हैं? महत विचरणा मंदिरणाम गृहणाम दीन चित्तसाम। जो गृह लोग होते हैं उनका जो हृदय ना बड़ा दीन छोटा हृदय होता है। दिन भर हम क्या सोचते हैं बताओ? सवेरे उठते घर में नमक है कि नहीं, चावल है कि नहीं, तेल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, है हल्दी है कि नहीं, मसाला है कि नहीं। देखना सवेरे से लेकर ना सोते तो हम दिमाग इसमें घूमता ही रहता है, क्यों यही चीज दिन भर क्या सोचते हैं? ब्रेड बटर है कि नहीं घर में, सवेरे होते तो यही सोचते है ना, दिन भर हमारे दिमाग इसमें चक्कर लगाते रहते, रोटी सब्जी नमक हल्दी में ही जीवन हमारी खत्म हो जाती, उसको ही सोचते सोचते पूरा हमारा जीवन उसमें ही खत्म हो जाती है। लेकिन साधु लोग क्यों आते हैं? बोले इसलिए साधु लोग आते हैं, महत लोग इसलिए आते हैं, कारण क्या? बोले कारण यही है हमें जगाने के लिए। इसलिए उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निवदत्त निशीत खुरत दुर्गम पतस्तत कवय वदंती। इसलिए साधु लोग क्यों आते? बोले उठो जगो, कब तक सोते रहोगे? माया की नशा में बहुत दिन तुमने सो गया है, अभी तो उठो, अभी तो जगो। बोले हम तो जगे हुए हैं, कदा हम थोड़ी सोए हुए, हम जगे हुए। बोले नहीं, माया की नशे में हम सबके सब सोए पड़े हुए हैं। जगे कौन है? जगे का बोले एक ही व्यक्ति जगा हुआ जो भगवान की भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, केवल एक ही व्यक्ति जगा हुआ, नहीं तो जगत में सब सोए पड़े हुए। माया की नशा में हम सब सबके सब सोए पड़े हुए। इसलिए श्री भक्तिविनोद महाप्रभु कहते हैं, बोले जीव जाग गोरा चांद बोले कथा नींद जाओ माया पीसा चीर को अजीब बोली आए से संसार विदारे बोली आए रही ले तुम्हें आज प्यार हो तुम्हारे लई ते आमी आइनो अवतार आमी भी न बंदो ए अचे जगो उठो। मैंने तुमने भगवान को पास में कसम खाकर कहा था भजन करने के लिए, तो मातृ गर्भ में हमने यही कसम खाई,
जब मातृगर्भ में जीव को 7 महीना हो जाता है, गर्भ में आना नरक में आना बराबर है, उसको हजार जन्म की बात याद आता है, इतने छोटी सी पेट में सर नीचा टांग ऊंचा करके उसको आना पड़ता है और टाटी पेशाब थली में उसको रहना पड़ता है गर्भ में। कहते गर्भ में आना नरक में आना बराबर है, गर्भवास और नरकवास एक ही वस्तु है, इसलिए गर्भ में कुछ है ही नहीं, पेट में इतने गर्मी है ना, आज अगर रसगुल्ला खा लो कल बिस्टा बन करके निकल जाएगी, इतना गर्भ में कष्ट होता है जीव को। इसलिए भगवान हजार जन्म के बाद याद आता है कैसे पूर्व जन्म में झूठ बेईमानी करके, हाँ झूठ बेईमानी करके कैसे पैसा कमाया और पूरा परिवार को कैसे पाले, लेकिन दुख का समय सबके सब थे और सुख समय सब थे, दुख में कोई है ही नहीं, सुख में सारा दुनिया था, दुख में कोई है ही नहीं, तो उसको पूरा ये ज्ञान होता है ये संसार झूठा संसार है, ये झूठा संसार झूठा है, कोई किसकी है नहीं। इसलिए कहते हैं बोलेगा आप कैसे हो, जानते हो कब तक बोलेगा आप कैसे हो, तो जब तक तुम्हारी जेब में पैसा हो बोलेंगे आप कैसे हो, बोले जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, पैसा गए बोले आप नहीं तुम कौन हो तुम कौन हो, इस संसार स्वार्थ का संसार है, इसको पूरा ये चीज ना पूरा उसको ज्ञान हो जाता है, ये संसार झूठा संसार है। और जो संसार में जो प्रेम दिख रहा है ना, वो कहते दुनिया में प्रेम नहीं है, दुनिया में प्रेम नहीं, इसलिए वो प्रेम थोड़ी बहुत दिख रहा है, चूंकि आपसे कुछ मिल रहा है, अभी आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए प्रेम थोड़ी बहुत केवल दिख रहा है, लेकिन प्रेम नहीं, वो देना खत्म हो जाए देखना सारे प्रेम वहीं पर समाप्त हो जाएगी, सारे प्रेम वहीं पर खत्म हो जाएगी। उसको जीव को पूरा ये ज्ञान होता है गर्भ में, इसलिए भगवान कहते प्रभु ये नरक से निकालो, बोले अभी क्या करोगे, बोले प्रभु मैं समझ गया संसार में कोई किसी का नहीं, एक बार केवल जन्म दे दो, उठते बैठते सोते तेरे नाम लूंगा, केवल तुम्हारी भजन करूंगा, हैं बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। हम भगवान से कसम खा करके आए थे भजन करने के लिए, बोले प्रभु एक बार केवल हमें जन्म दे दो, उठते बैठते सोते तेरे भजन करूंगा। पूछे सही बोल रहे हो ना, उधर जाकर भूल जाओगे मेरे को, बोले प्रभु एकदम नहीं भूलूंगा। भगवान बोले अगर भूल जाओगे ना, बीच बीच में वार्निंग भी दूंगा। बोले वार्निंग क्या दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए ना, ये मेरी फर्स्ट वार्निंग है, अब सब देखना नजर लगाकर देखना, जो बाल पकता है ठीक यहीं से, कहीं भी किसी व्यक्ति को देखना जो पकेगा वो यहीं से शुरू होता है। बोले कान में पहला बेल दे दिया, बोले क्यों, भगवान से क्या बोल कर गया था, हरि नाम करोगे ना भजन करोगे, कितने माला जप कर रहे हो, कितने गीता भागवत और कितना टीवी देख रहे हो, हाँ कितना इधर उधर, लेकिन जब एक बाल पकता है ना हम उसको उखाड़ देते हैं। बोले थोड़ी आप बूढ़ा हो गए, बुरी कुछ नहीं हुए, हम तो चल गए हमारा कुछ नहीं हुआ अभी तो हम ठीक है, अगर 2 बाल पक गया फिर इसको उखाड़ देंगे, अगर 3 बाल पक गया उखाड़ देंगे, लेकिन खिचड़ी बन गया तो आधा आधा काला फिर कलर कर देते हैं, हाँ फिर इसका हम कलर कर देते हैं, थोड़ी आप बूढ़ा बुढ़िया हम कुछ नहीं हुए। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले आंख में देखना कम हो जाएगा, आंख में देखना धीरे धीरे आंख की जो रोशनी कम हो जाएगी, फिर बढ़िया चश्मा पहन लेते हैं, गगलेस पहन करके हीरो बनकर घूमते हैं, हीरो बनकर हमारा कभी कुछ नहीं हुआ। भगवान फिर कहते हैं तेरे को मैं थर्ड वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले जो खिलखिला कर हंस रहे हो ना, एक एक कर दांत तोड़ना शुरू करूंगा, हाँ बोले एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा, फिर जब पूरा दांत टूट जाते हैं ना, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर बढ़िया दांत लगा दूंगा, हाँ फिर खिलखिला कर हंसते हैं, और कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते फिर तुमको फोर्थ वार्निंग दूंगा, बोले क्या, बोले 2 प्यार से 3 प्यार हो जाएगी, कमर तोड़ दूंगा तुम्हारी, है
फिर डंडा लेकर फिर डंडा लेकर चलना पड़ेगा तुमको। हाँ कभी एक एक वार्निंग है, ये एक एक वार्निंग है भगवान की, इसलिए कहते सावधान हो जाओ, समय रहते क्या कर भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की भजन कर लो। इसलिए कहते निश्वास नैव विश्वास, ये निश्वास कब बंद हो जाएगा कोई विश्वास नहीं। हम लोग कहते ना अरे अभी क्या करेंगे, कोई थोड़ी हम मर रहे हैं, अभी बहुत दिन ही पड़ा हुआ। बोले नहीं, कल कर सो आज करो और आज कर सो अब। जिसको कल करना चाह रहे बोले आज करो, बोले आज नहीं अभी करो। बोले क्यों, बोले पल में प्रलय होगी, पता नहीं कब ये मृत्यु हो जाएगी। आप न्यूज पेपर पढ़ करके देखो कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। इसलिए निश्वास में कोई विश्वास नहीं, कब बंद हो जाएगी। इसलिए जितने जल्दी होनी चाहिए क्या करो, भगवान की भजन में लग पड़ो। दूसरे काम को पीछे रख लो, दुनिया की काम को पीछे रख लो। बोलो क्यों, वो होता रहेगा, वो तो हमारे महाराज कहते हो तो रिजर्व है, खाना पीना सोना बच्चे जन्म देना है तो रिजर्व है, हर जन्म के लिए तो रिजर्व है। उसके लिए ज्यादा चिंता मत करो, चिंता करो भक्ति के लिए, जो जिस काम के लिए प्रभु ने ये मानव शरीर दिया वो काम के लिए सोचो। भगवान की भक्ति हमने कितने की है, वो काम सबसे महत्वपूर्ण काम है, है? इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते जीव जागो गोरा चांद बोले कब तक निद्रा जाओ माया पिशाच रपले, कब तक सोते रहोगे, बहुत सो गए अभी तो जगो कम से कम, अभी तो कम से कम जगो। महाप्रभु कहते हैं भजी व बोलिया ऐसे संसार भीतर भूलिया रहिले तुम्हें अविद्या बोले, और तुम्हारे लय ते आमी है न बता, मैंने तुमको लेने के लिए आया गोलोक वृंदावन से, मैंने तुमको लेने के लिए आया हूँ। हाँ बोले कैसे ले जाओगे, बोले हरि नाम महामंत्र लह तुम भागी। अगर गोलोक वृंदावन जाना चाहते हो पास केवल एक ही टिकट है, वो टिकट है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस एक ही टिकट है। बस अगर ये टिकट काट लिया ना, बस सीधा गोलोक वृंदावन, सीधा गोलोक वृंदावन। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है, भले ही जीवन में जिसको पूजा कर करना कर लो, भले ही जिसको जो कुछ करना कर ले, लेकिन जब अंतिम समय आता है, चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाते हैं, यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल रहते हैं सब कुछ बात उठा। बोले बेटा जितने तुमने राम का नाम कृष्ण का नाम लिए हो केवल वही तेरे साथ जा रहा है, और जीवन में जो कुछ तुमने किए हो केवल तुमने झूठे में बिताया है, हैं? पत्नी रो रो कर दरवाजा तक जाएगी आगे नहीं चलेगी, परिवार शमशान तक चलेगी उसको आगे कोई नहीं चलेगा, उसका आग केवल एक ही चीज जाएगी। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन महामंत्र को लो। और इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति हरिनाम करता है ना एक साथ में उसको तीन काम अपने आप होता है। बोले तीन काम क्या होता है, बोले पहला काम ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में
उसके लिए आरती तैयार करके रखते हैं। बोले क्यों? बोले जीव जब हरिनाम करेगा वो भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक को वो पार करते 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 गोलोक वृंदावन जाएगा। जब इसी जगत में कोई हरिनाम करना केवल शुरू कर दे, केवल हरिनाम करना केवल शुरू कर दे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में उसके लिए आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। आरती की थाला सजा कर रखते हैं, क्यों? जब जाएगा उसको मैं आरती उतारूंगा। बोले दूसरा काम क्या होता है? जब महाराज चित्रगुप्त को बोलते हैं उसको रजिस्टर से उसका नाम को काट दो, रजिस्टर से उसका नाम को काट दो। बोले क्यों? वो हरिनाम कर रहा है ना, और ये नरक नहीं आएगा, वो व्यक्ति नरक में नहीं आएगा, उसको रजिस्टर से उसका नाम को काट दो। और नाम काट देते हैं। बोले तीसरा चीज क्या होता है? बोले गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी अपना रजिस्टर में उसका नाम को लिख लेते हैं, राधा रानी नाम लिख लेते हैं। बोले उसको नाम को लिख दो। बोले क्यों? वो गोलोक वृंदावन आएगा, वो गोलोक वृंदावन वो व्यक्ति आएगा। क्यों? वो हरिनाम कर रहा है ना, हरिनाम कर रहा है ना, वो सीधा गोलोक वृंदावन। केवल रूप गोस्वामी कहते हैं केवल हरिनाम अगर कोई शुरू कर दे ना, ये तीन काम उसको कर, तीन काम उसको अपने आप मन लग जाता है, वो नरक में नहीं जाएगा, ब्रह्मा जी आरती उतारेंगे, और राधा रानी की रजिस्टर में उसके नाम को वहां पर लिख लेते हैं। हरिनाम करने का इतने महत्व है, हरिनाम करने का। इसलिए अभी हम प्रभु जी को बता रहे थे, भगवान कपिल देव स्वयं कहते हैं अहोबत सपोच अत्व गरिया जत्र जीवाग्र वर्तत नाम तुभ्यम है। कहते जो व्यक्ति भगवान के हरिनाम उच्चारण करता है, भगवान कहते अहो, अहो मतलब क्या है? जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते है ना, अरे क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम जप करता है, बोले अहो बत सपोच, सपोच मतलब होता है चंडाल। चंडाल किसको कहते हैं? सबसे निकृष्ट जाति को चंडाल कहते हैं, जो कुत्ते का मांस खाने वाले हैं। कुत्ते का मांस कोई नहीं खाते हैं, लेकिन ये चंडाल सबसे जो छोटी जाति के लोग होते हैं वो कुत्ते का मांस खाने वाले हैं, सबसे निकृष्ट उनको मानी गई है। बोले अहो बत सपोच अत्व गरिया, वो चंडाल होने पर भी वो इतना श्रेष्ठ है, हैं? अतो गरियार जत जीवाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। यहाँ पर कह रहे हैं संपूर्ण जीवा में नहीं, संपूर्ण जीवा में नहीं, जीवाग्रे जीवा की अग्र भाग में अगर केवल प्रभु का नाम उच्चारण कर रहा है, हैं? तो इतने सौभाग्यवान। कहते भैया अगर पूरा जीवा में हरिनाम कर रहा है, कहते जीवाग्रे जीवा के अग्र में कर रहा है, अगर संपूर्ण जीवा में उसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते अगर उसको संपूर्ण जीवा में प्रभु का नाम उच्चारण हो रहे हैं। बोले भैया उसका महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, वो कितने सौभाग्यवान। कहते भैया अगर कोई ये कानों से अगर कृष्ण कथा सुनते हैं, अगर ये कानों से अगर कृष्ण कथा, बोले और भाग्यवान है। बोले अगर नेत्रों से अगर ठाकुर का दर्शन करते हैं, बोले भैया इसका तो सौभाग्य हम बता ही नहीं सकते। अगर कहते ये दोनों हाथों से अगर ठाकुर को सेवा करते हैं, बोले भैया और भी भाग्यवान है। कहते अगर दो चरण से अपना घर से, जैसे आप लोग सत्संग में आए हो, हाँ भगवान की कथा में आए, घर से चल करके यहाँ पर भगवत कथा में आते हैं, बोले भैया उनकी सौभाग्य तो बता ही नहीं सकते हैं। कहते अगर कोई दिल से ठाकुर जी का स्मरण करता है, हृदय से अगर ठाकुर जी का स्मरण करता है, बोले भैया उसका तो महिमा हम बता ही नहीं सकते। इसलिए श्री भक्तिमान ठाकुर कीर्तन लिखते हैं, बोले ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जना सफल जीवन तार, ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जना सफल जीवन तार, तारो उपमा वेद नाही सीमा, तारो I'm
दयाल ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जना सफल जीवन था। मतलब है जो व्यक्ति ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण को भजन करते हैं, हैं? भजे जय जन सफल जीवन था, जो भजन करते उसका जीवन धन्य है, जो भगवान कृष्ण को भक्ति करते। बोले ताहार उपमा बेदे नाही सीमा, कहते जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं उसका जो महिमा है ना, वेद भी उसका महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। बोले त्रिभुवन नाही आर, जो भगवान की भक्ति करते हैं, बोले त्रिभुवन में ऐसे व्यक्ति जैसे जगत में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो भगवान कृष्ण को भक्ति करते है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, जानते हो, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने। हाँ, हम लोगों का जो बहुत बड़ी जो इच्छा है ना, हर व्यक्ति चाहता हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने, हैं? तभी जाकर हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। लेकिन संतों का कहना भैया, जो 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया उनका कोई नाम ले रहा है क्या? अभी दुनिया में उसको कोई पूजा करता है हीरो हीरोइन को? नहीं। लेकिन हीरो बने तो हनुमान बन करके हीरो बनो। हनुमान जी कब आए बताओ? त्रेता युग में, करोड़ों साल पहले आए। तुलसीदास जी कब आए? मीरा कब आई है? ध्रुव प्रहलाद कब आए? करोड़ों साल पहले आए। लेकिन अभी देखो सारा दुनिया जिनको पूजा कर रहे हैं। अब भारत में एक श्री देवी का नाम सुने, श्रीदेवी बहुत अच्छी हीरोइन थी। वो कैसे मरी है? बाथरूम में स्नान करते करते इतना शराब पी थी, हैं? वो बहुत अच्छी हीरोइन थी। अब देखे फिल्म देखते हैं, देखे उस श्रीदेवी को, देखे कि नहीं? वो बाथरूम में बड़े बुरी तरह से मरी, वो पता घर घर अंदर में कुंडी बंद करके बस स्नान करते करते वहीं पर शराब पी कर रखते ना, बस वहीं पर खत्म हो गई उसने। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर बड़ा बनना है ना, हीरो बनना, तो क्या बन करके हीरो बनो? बोले भगवान के भक्त बन करके हीरो बनो, जो नाम चिरकाल के लिए रहेगा। बताओ ध्रुव प्रहलाद कब आए? सत्य युग में आए। प्रहलाद सत्य युग में, ध्रुव सत्य युग में, अम्बरीश महाराज सत्य युग में आए, है ना? सत्य युग में करोड़ों साल पहले आए। लेकिन भागवत में देखो इनका नाम एकदम अमर बन करके, उनके नाम अमर बन करके पूजा हो रही है। इसलिए कह रहे हैं अगर हीरो बनना है ना, बॉलीवुड में हीरो हीरोइन मत बना करो, हैं? इसलिए कोई ये हीरोइन का कोई महत्व तो नहीं है। आप बड़े बड़े हीरोइन का अगर जीवन चरित्र पढ़ोगे ना, बड़ी बड़ी हीरोइन तो सुंदर थी, अब उनके जीवन चरित्र पढ़कर देखो लास्ट में इतने डिप्रेशन में आए, लास्ट में सुइसाइड करके मरे। अब बड़े बड़े हीरोइन का नाम स्वयं खोल कर देख लो, हैं? लास्ट में इतने डिप्रेशन में आए, क्योंकि ये लोग सोचते हैं शायद ये मेटेरियल जो वस्तु है ना, यही शायद सुख देगा। नहीं, जो स्वयं अनित्य वस्तु है जगत में, वो तुम्हें सुख दे ही नहीं सकते हैं। वो जगत का मेटेरियल वस्तु में सुख दे ही नहीं सकते हैं। तो दुनिया की कोई वस्तु तुम्हें शांति सुख देने वाले नहीं। जो आनंदमय है, जो रस स्वरूप है, वो भगवान केवल वो सुख शांति दे सकते हैं, भगवान ही दे सकते हैं। अभी मैं आ रहा था प्लेन में ना, वहां पर बैठा हुआ था जर्मनी में, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसको अंदर बेचैनी सी थी। मेरे को साधु रूप देखा, उसने कहा अंग्रेजी जानते हो? मैंने कहा हाँ। बोले मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे को पूछ रहा था, मेरे को पूछ रहा था, नहीं नहीं इंडियन नहीं, गोरा गोरा था वो, आ रहा था इधर एम्स्टर्डम आ रहा था, वो देखने बड़े अच्छे लग रहे थे। मेरा साधु ड्रेस देखा है ना, वो साधु ड्रेस देखकर मेरे आसपास में अगर बैठी है, बैठ करके बोले अंग्रेजी समझता मैं ना, थोड़ा बहुत समझता। बोले हम अंदर से बड़े बेचैन सी है, घर में किसी चीज की कमी नहीं, रुपया पैसा सब कम भरा, लेकिन अंदर में शांति हमें नहीं, बड़े बहुत हम दुखी है। बोल रहा था बहुत दुखी, कभी कभी चाहता है सुइसाइड कर ले, मेरे को बोल रहा था हम सुइसाइड। बोले बताओ शांति कैसे मिलेगा? फिर मैंने उसको समझाया, देखो हम चाहते हैं ये मेटेरियल वस्तु में शांति मिलेगी, हैं? इस दुनिया में अच्छी से अच्छी लड़की से शादी कर ले, शांति मिलेगी, पैसा कमा ले, शांति मिलेगी। आप बताओ रावण का नाम सुने हो? सोने की लंका थी, हमारे पास में कितना सोना होगा? 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 3 किलो होगा, 5 किलो होगा, 10 किलो होगा, उससे ज्यादा हो सकता है सोना? लेकिन रावण का पूरा लंका ही सोना ही है, उसका बेडरूम भी सोना,
किचन रूप में सुना, बाथ रूप में सुना, डाइनिंग रूम सारे सोना ही सोना, पूरा पूरा सोना सोना देख रहे बना हुआ है, पूरा लंका ही सोना इस। हम सोचते हैं शायद कोई अच्छी सुंदर लड़की से शादी हो जाए ना, खुशी हो जाए। उसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी। पता है मंदोदरी मतलब क्या होता है? पता आपको मंदोदरी मतलब क्या? मंद मतलब होता है पतली, उधर मतलब कमर, जैसे कमर बहुत पतली थी क्योंकि विश्वकर्मा की बेटी थी। विश्वकर्मा कौन है? आर्किटेक्ट है विश्वकर्मा। उसने सारे है, उसने सारे अच्छे अच्छे गुण देकर के बेटी को बनाई थी, इसलिए उसका था नाम था मंदोदरी है। और स्वर्ग से जितने सुंदरी सुंदरी अप्सरियों को जिसको उसको अच्छा लगा पकड़ पकड़ कर शादी किया था। हम सोचते हैं ना सुंदरी किसी लड़की से शादी कर ले सुखी हो जाएगी, फिर सोचते हैं अगर कोई बढ़िया बेटा हो जाए सुख हो जाएगा। उसका बेटा का नाम था मेघनाथ, इंद्रजीत। इंद्र को जो परास्त किया है लेकिन वो बेचैन सी, अंदर में सुख नहीं शांति नहीं, फिर सीता को उठा कर ले गया। सोचता है और यदि सुंदर लड़की को शादी करने से सुख हो जाएगी, बस लंका समेत खत्म। वो लंका में सबके सब बेचैन से थे, किसी को शांति सुख नहीं था, केवल एक व्यक्ति वहां चैन से जिंदा रह रहा था। कौन जानते हो? विभीषण। कौन है? किसने कहा विभीषण? हाँ, केवल एक विभीषण सुखी में था। बोले क्यों? केवल प्रभु राम की शरण लिया था। केवल प्रभु राम की शरण लेने के नाते केवल वही चैन से और सब बेचैन से जिंदा रहते। और हनुमान जी ने क्या किया? शंकर हनुमान जी को पूजा करते, शंकर जी को, रावण शंकर जी को पूजा करता था, वो शंकर का स्वरूप ही हनुमान। उसने पूरा लंका जला करके राख बना दिया, केवल एक व्यक्ति का घर छोड़ दिया। किसका घर छोड़ दिया? केवल विभीषण का घर छोड़े और सबको जला करके खत्म। और भगवान राम भी सबको खत्म कर दिया लेकिन केवल एक विभीषण को उसने छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले जो प्रभु की शरण में आता है ना केवल वही बच जाता है और सबके जगत में खत्म हो जाते हैं। और जगत में विभीषण का नाम ही एक विभीषण का नाम हो रहा है, एक विभीषण का नाम होता है। हमारे भारत में हर साल रावण का जो पुतला है ना उसको जलाते हैं। पुतला समझते हो? तो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, उसको हर साल उसको जलाया। अभी भी वो कहाँ आया था? त्रेता युग में। अभी भी उसको ना उसको बना करके भूसा बना करके रावण की बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते हैं। और हाँ, अभी भी उसको जलाते हैं। बोले क्यों? बोले जो भगवान की जो विरोध में जाता है, भगवान की जो विरोध में जाते हैं भैया, उसको जिंदगी भर जलते रहता है। जिंदगी भर जलता रहेगा। लेकिन जो भगवान की शरण में आएगा, ठाकुर जी की शरण में आएगा, केवल उसको ही हाँ केवल वही जीवित रहता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जन सफल जीवनता। तभी ये जीवन का सार्थकता है जब हम भगवान की भजन करे। बोले तहार उपमा बेदे नहीं सीमा। जो भगवान की भक्ति करते हैं उसका जो उपमा है ना, वेद भी जिसकी महिमा को गा नहीं सकता है, वेद भी जिसकी महिमा को नहीं गा सकते है। इसलिए श्री नंद बाबा क्या कह रहे हैं? बोले महत विचरणाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। कहते घर में साधु क्यों आते हैं? हमें हमारे घर में क्यों? हमें जगाने के लिए, हमें जगाने के लिए आते। कब तक सोते रहोगे? बहुत सोगे, अभी तो उठो। अरे अभी तो प्रभु का भजन करो। दिन दिन समय धीरे धीरे तुम्हारी जा रही है, धीरे धीरे आ ही नहीं रहा है, जा रहा है, हैं? कहते जिस घर में भक्त लोग आ जाते हैं कहते तो घर नहीं, कहते भगवान के धाम हो जाते हैं, भगवान की धाम हो जाते हैं। देखो हमारी सेवा प्रिया दीदी और प्रेमवती है, प्रेमवती, इनका घर देखो। देखो ठाकुर जी है, भगवान को रखे हैं और सब जगह में देखो भगवान की तस्वीर लगा कर घर में कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भजन करते हैं। घर क्या है? जिस घर में भगवान के नाम कीर्तन हो, घर नहीं भगवान की धाम। लेकिन जिस घर में साधु संत नहीं जाते हैं फिर घर क्या? बोले श्मशान हो जाता है वो, घर घर नहीं रहता है। श्मशान मतलब, श्मशान मतलब क्या? श्मशान किसको कहते हैं बताओ? जहाँ पर डेड बॉडी जलता है, जहाँ पर डेड बॉडी जलता है उसको श्मशान कहते हैं। अगर साधु संत नहीं आए तो क्या होगा? मांस मछली लाएंगे घर में जलाएंगे। जैसे मांस मछली लाकर घर में पकाते हैं ना, रोसे ही बनाते हैं। जहाँ पर डेड बॉडी जलता है उसको क्या कहते हैं?
उसको शमशान कहते हैं, जहां पर डेड बॉडी जलेगा शमशान नहीं, फिर वो घर घर नहीं रह जाएगा, फिर वो शमशान भूमि बनी जाती है। लेकिन जिस घर में भगवान की भक्त कीर्तन हरि चर्चा हो, वो घर नहीं कहते भगवान की, वो धाम बन जाता है। इसलिए श्री गर्गाचार्य जी को श्री नंद बाबा कहते हैं, बिल्कुल हे श्री गर्गाचार्य जी, आप कृपा करके हमारे घर में आए हो, अभी घर में हरि कथा होगी, घर में हरि कीर्तन होगी, घर में सत्संग होगी, आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, क्यों घर में साधु आए। इसलिए यहाँ श्री नंद बाबा कह रहे हैं, नंद बाबा कौन है, भगवान कृष्ण के पिता है, भगवान कृष्ण की ये पिता श्री नंद बाबा, वो कह रहे हैं तब भी हमारी घर की सार्थकता है जब घर में भक्त लोग आए, घर में भक्त लोग आए, घर में हरि चर्चा हो, हरि कीर्तन हो, तभी ये घर की सार्थकता है, हाँ तभी ये घर की सार्थकता है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना, हर घर घर में जैसे कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, घर में हरि चर्चा हो, फिर तो आपका घर नहीं, घर क्या हो जाएगा, गोलोक वृंदावन ही घर बन जाएगा। इसलिए आज हमारी दीदी प्रेमवती, हाँ इनका जो घर है क्या बन गया, भगवान की धाम बन गया, भगवान की धाम बन गया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। और जो क्या कथा नहीं खत्म कर थोड़ा से आरती करेंगे क्या, ठीक है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। Krishna Hare 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 H
अभी हम कहाँ पर है? वृंदावन। हम लोग वृंदावन है, फिर राधा रानी का नाम ले रहे ना, इसलिए हम सबका सबसे वृंदावन। भाड़ी जन अर्जुन। हाँ आप अपना सब बच्चों को ना अर्जुन जैसे बना। बहुत अच्छा। हाँ देखो आप बच्चों को देखो, ये 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 कह रही है, सुमित्रा कह रही है। सुमित्रा नाम जानते हो? लक्ष्मण का मैया का नाम सुमित्रा है। देखो ध्यान देकर सुनो, अगर बेटा भजन करेगा तो कितना महत्व है। जब राम सीता वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण अपना मैया सुमित्रा के पास में आए, बोले माँ मेरे को आदेश दे, राम सीता वनवास जा रहे, इनकी सेवा करने जाओ। उसी समय सुमित्रा इतनी खुश हो गई, इतने सुमित्रा खुश हो गए। देखो सुमित्रा क्या कहती है, पुत्रवती जुवती जगत सोई, रघुपति भक्ति जासुसुतो। हिंदी समझ रहे हो? ये रामचरितमानस में कृष्ण तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले पुत्रवती जुवती जगत सोई, मतलब है जगत में उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थकता है। बोले कौन सा माँ को? बोले रघुपति भक्ति जासुसुतो। अगर तुम्हारी बेटा अगर प्रभु राम का भक्त बन गया, वो कहती है तभी माँ को जन्म बच्चा जन्म देना सार्थकता है। दूसरी लाइन में कहती है, अगर तुमने बच्चों को प्रभु का भजन में नहीं लगा पाए बच्चों को, दूसरी लाइन में कहती है माँ को बांझ रहना सही है। बांझ समझती हो, बच्चों को जन्म मत दो, वो मना कर देती है। बोले क्यों? बोले बच्चा अगर प्रभु की भक्ति करेगा ना, तुम्हारी तो एक ही स्पीड उधार हो जाएगी, सारे पूर्वज लोग उधार हो जाए। अगर बच्चे तुम्हारी गलत रास्ता पर चले गए, मांस खाए, शराब पिए, जुआ खेले, सिगरेट फूंके, कहते उसका जितने पाप ये पिता माता को लेना पड़ेगा। ये सुमित्रा कहती है वो सारे जैसे पुण्य पिता माता ग्रहण करेंगे, इसका पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तुमने वो बच्चे को जन्म दिया है, तुमने बच्चे को जन्म दिया, जैसे उसका पुण्य भी भोगोगे उसका पाप भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सुमित्रा कहती है तभी बच्चे को जन्म दो, अगर बच्चे को प्रभु का भजन में लगा पाओगे तो, नहीं तो बच्चे को जन्म मत दिया करो, मना कर देती सुमित्रा। बोले बच्चे जन्म दे, क्यों जन्म दोगे? कहती है 9 महीना तो गर्भ में धारण करोगे, माताओं को पता होगा गर्भ कष्ट कितना। जब प्रसव देती है आपको पता होगा जब बच्चे जन्म दिए कितने कष्ट है। फिर रात भर बच्चा कभी रोता है, सोने नहीं देता है, माँ गिली में सो करके बच्चे को सुखा में सुलाती है, मैया गिली में सोती है बच्चे को सुखा में सुलाती है माँ है। फिर मुंह की खाना निकाल करके देना पड़ती है, जैसे जो खाना तुम खाती थी अकेले वो दो भाग हो जाता है, फिर दो भाग हो जाता है। इसलिए आधा पेट भर कर बच्चे को पूरा, इतने कष्ट क्यों करेगा? सुमित्रा कहती है अगर बच्चे को भजन में नहीं लगा पाओगे तो इतने कष्ट करना तभी सार्थकता जब तुम बच्चे को प्रभु का भजन में लगा पाओगे, तभी बच्चा भजन करेगा तो पहले तुम्हारी उधार होगी। अगर बच्चा गलत रास्ता पर चला गया उसका पाप भी भोगना, मतलब बच्चे को गर्भ में इतना दिन कष्ट हो गया, पालना करने में इतना कष्ट गया, फिर अगर फिर उसके लिए फिर तुम नरक जाओ, फिर तुम कष्ट भोग करो। इसलिए सुमित्रा कहती है तभी बच्चे को जन्म दो, अगर बच्चे को भजन में लगाओगे तो, नहीं तो बच्चे जन्म मत दो, मना कर देती है बच्चे को जन्म मत देना। इसलिए बच्चे हो तो अर्जुन जैसा बच्चे हो तो, हाँ देखो कितना सुंदर मृदंग हो जाता है, भगवान के कीर्तन में मृदंग हो जाता है, इसलिए भगवान संतुष्ट हो जाते, खुश हो जाते, भैया देखो मेरी कीर्तन में मृदंग बजा रहा है, उसको मृदंग बजाना सार्थकता है, जो भगवान की कीर्तन में जो मृदंग बजाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। इसलिए हाँ ठाकुर जी आरती उतारेंगे, खड़े हो जाए ठाकुर जी आरती करेंगे।